स्वागतम, कैसे हो सारे? मैं हूं अमेंग, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अमेंग तारा। सो हाँ गाइस, आज आ गया इम्तिहान का घड़ी, क्योंकि आज निकलेगा हम लोग का रिजल्ट। यस, तभी रिजल्ट देखने के लिए हम भी जाएगा। यहाँ से मेरा रास्ता है, तभी यहाँ से हमको अभी निकलना पड़ेगा। आज ऐसा धक धक हो रहा है ना, मत पूछो पूरा। और हाँ, एक और चीज़ दिखा देता हूं आपको, फूल देख सकते, काफ़ी सुंदर है। ये भी गिरने वाला है, इसको हम बाद में आके ऐसे एक लकड़ी से बांध दे, क्योंकि बारिश देने से क्या होगा कि ऐसे गिर जाएगा नीचे। काफ़ी सुंदर होते, खुशबू सुन के देखिएगा किसे। अगर ये फूल को अगर हम रेटिंग दो बोले से ना, खूबसूरत खुशबू में देने से, इसका हम देगा 9 out of 10। तो हाँ, अभी स्कूल पहुँचता है, इसके बाद मिलता है। हाँ गाइस, अभी हम लोग जो स्कूल था, हम लोग फील्ड में पहुंच चुका है। स्कूल में दिखा देते, स्कूल बहुत साइड में किसी देखते हैं, हम लोग स्कूल है। हम पहले भी एक ग्रुप में दिखा चुका था, ये हम लोग रिजल्ट निकालने के लिए बैठ रहे। तो जैसे हम लोग 11 पार्टी लोग हैं, मैं रुक रहा है अभी। हेलो गाइस, तो होगा अभी इंतजार कर लेते हैं। हर साल ना ऐसे होते हैं रिजल्ट, 10 बजे निकलेगा बोलेगा, 12 बजे निकलता है। तो मेन क्लास का सामने बहुत हारा होगा, तो रिजल्ट निकाल देता है। तो हाँ गैस, अभी रिजल्ट को चेक करने के लिए जा रहे स्कूल के अंदर में, कि खुला है कि नहीं खुला है बोल के। कल सर से बात करने का बोल रहा था, अगर सर आने का बात ये कर देगा बोल रहा था, टांग देगा बोल रहा था। सर की स्कूटी दे, मैं आ चुका है, टांग चुका होगा, चेक करके देखेगा कैसा है रिजल्ट। धक धक हो रहा है पूरा, जैसे स्कूल सामने आ रहे ना वैसे वैसे पूरा दिल बढ़ते रूपा फट रहा है मेरा। और ये स्कूल है। तो हाँ गैस, अभी हम स्कूल से भी घर पहुँच चुका है। स्कूल में हम इतना ब्लॉग तो शूट नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ पर प्रिंसिपल जो फोटो अलाउ नहीं हो पा रहा था, जिसमें इतना नहीं है। बहुत काम किया स्कूल ने, थोड़ा बहुत मदद भी कर दिया था। इसके बाद थोड़ा बहुत पार्टी भी गए दोस्तों का पास, एंड रिजल्ट को बता देता आखिर क्या हुआ है, बैक पेपर को दिखा देता है। देख सकते हैं कुछ इस तरह से है, नीचे देख सकते हैं, नीचे 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 जाएगा, रिजल्ट पास, पोजीशन सेकंड। वाह देखिए, 10-10 पास हो गया और दूसरा पोजीशन में आया है क्लास 11th को। सो बधाई हो ब्रदर को मेरे तरफ से, और आगे जिंदगी में बहुत दूर जाना है यही ब्रदर की तरफ से। एक ब्रदर को प्यार है, आशीर्वाद है। वैसे एग्जाम में इतना पढ़ाई भी नहीं किया था, कैसे सेकंड आई। वैसे ब्रदर को तारीफ तो नहीं कर रहे, बट रैंक आता ही है। 10th में रैंक आया था फर्स्ट शायद ना, फर्स्ट आया था 10th में, अभी 11th में सेकंड, 9th में भी रैंक आया था कुछ, 9th में फर्स्ट, क्लास 3 में फर्स्ट, अभी 11th में सेकंड आ गया। सो ब्रदर से तारीफ तो नहीं बोल रही, रैंक आ रहा है तो बताना चाहिए आप लोगों को ना, पता होना चाहिए। सो ब्रदर आप लोग भी बधाई दे देना कमेंट में, एंड इससे ज़्यादा एक गरीब लड़का के लिए खुशी का बात क्या हो सकती है। खुद का तारीफ तो नहीं करेगा, लेकिन हाँ हम बचपन से हम रैंक मारते आ रहे, क्लास 4 ऐसा कुछ से, क्लास 4 में 3rd मारा है, 5 में फिर 4th मारा है, फिर 6 में फिर वापस 3rd मारा है, फिर 7 में प्रमोटेड हुआ था, इसके बाद 8 में वापस 3rd मारा है, फिर 9 में फर्स्ट आया, 10 में फर्स्ट आया, इसके बाद 11 में अभी सेकंड आया। तो ये सेकंड मेरा फर्स्ट टाइम है। और मेरा कुछ ऑनलाइन सामान भी आ गया था, दिखा देता है। ये कुछ सामान है, कुछ लॉन्पेन ऑर्डर किया था, देखिए देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो यार मेरे ब्रदर ये देखो, अपना जो फॉर्मल ट्राउजर से उसको ट्राई कर रहे हैं, ऑनलाइन से मंगवाया था कुछ दिन पहले, एंड काफ़ी दिन बाद आ रहा है, एंड फिटिंग सही लग रहा है। बस ये लंबा है नीचे, और देख सकते हैं कोम्बो में ऑर्डर किया था, कोम्बो में भाई 900 रुपया में 3 कोम्बो आए, तो आई थिंक अच्छा प्राइस में डील किया है ये। लॉन्ग पेन ले ले बेच दे। अब बाजार से खरीदता तो एक पर पीस 1000 में यहाँ में बिकना था। प्राइस भी लिखा हुआ है 1000 है बोल के, 1300 मान लो, इतना में कौन खरीदता। वहाँ में पड़ोसी का कुत्ता लो, ये पड़ोसी एक्चुअली मासी का कुत्ता आया है, मेरे पीछे पीछे आ गया, पता नहीं हमको पहचान चुका था। सो अभी क्या करेगा पता नहीं, लेकिन ऊपर आगे बने रहो गाइस। अभी हम और मेरा भैया जो मासी लोग का घर जा रहे हैं, कुछ रसगुल्ला खिलाने के लिए पास हुआ बोल के, क्योंकि अगर पास नहीं खिलाएगा उनसे बहुत कंजूस समझेगा। ऐसा नहीं है, लेकिन तब भी तरह दुआ देगा, दुआ दुआ मिलेगा और तरह दे देगा बोल के। सो मासी लोग घर पहुँचते, इसके बाद मिलते। और एक और चीज़ दिखा देते हैं, ये है मासी लोग घर का मोहल्ला, कुछ टाइप से है। यहाँ पहले एक्चुअली बहुत सारा घर था, 3 घर था, अभी 3 घर से एक ही घर हो रहा है, 4 घर था, सॉरी 4 घर से एक घर बच गया अभी, बाकी सब लोग शिफ्ट हो गया अलग अलग जगह में। और देख सकते हैं यहाँ से हम लोग का रास्ता है नीचे। हम अभी हम लोग का मासी का घर से अभी अपना घर भी पहुंच चुका है, उन लोगों का भी जो रसगुल्ला था उसको भी दे दिया, काफी खुश था उन लोग भी। मेरे क्लास में था वह हमको कुछ गिटार स्ट्रिंग खरीद के दे दिया था, नाम 12 दंगन है। वैसे ये कुछ स्ट्रिंग है जो कि मेरा गिटार का स्ट्रिंग टूट गया था, इसे देख सकते हैं, इसको अभी हमको डालना पड़ेगा। तो गिटार को हम पीछे में रखा गया, तो इसको डाल लेते, इसके बाद मिलते हैं। हाँ गाइस, मेरा जो गिटार था इसको भी अभी हम स्ट्रिंग डाल चुके हैं, ट्यून भी कर लिया, तो क्यों ना एक धुन हो जाए। सो सभी के लिए एक चैलेंज, गेस द सॉन्ग।
सो गेस द सॉन्ग, कौन सा गाना है? सभी को पता होता है। हाँ गाइस, मेरा जो गिटार था उसको भी हम स्ट्रिंग को बदल के एकदम आप लोग एक धुन भी सुना दिया था। सो गेस करना, उसको कमेंट में जरूर बता देना कौन सा गाना है। हम उस दिन वो देखा था कि भैया का चैनल पर बहुत सारा आदमी लोग रिक्वेस्ट किया था कि आपका स्केच को भी दिखाओ आपका भाई का ब्लॉग्स ने बोल के। सो अभी इसको भी दिखाएगा, हमको मिल चुका है। 3 ड्रॉइंग बुक था लेकिन हमको 2 मिला है, उसको दिखा देता है। तो हाँ गाइस, जैसे कि देख सकते हैं ये है कुछ मेरा भैया का पुराना वाला ड्राइंग बुक्स। तो पहले किसको दिखेगा, 2 ड्राइंग बुक्स है। तो सबसे पहले थोड़ा नया लगा दिखेगा, इसको देखते हैं, देखते हैं आखिर किसा किसा है ड्राइंग। रेडी, 1 2 3 मिस्टर टोनी थाराम यहाँ लिखा गया है एंड यहाँ पर ड्राइंग एंड लुक इट। ये कैरेक्टर कौन है? दिस गारा, जो एनीमे देखते हैं उनको पता होगा, ये पिकाचू। एंड और आगे देखते हैं, देख सकते हैं ये है मेरा भैया का ड्राइंग लुक। इतना डार्क नहीं थे पहले, हम छाप छाप कैसा कर चुके हैं इसको, देखो ऐसा ही है। तो और आगे देखते हैं, और ये दिस इज लुकारियो पोकेमोन है। ये है एक बिल्ली, ये एक और गारा, और ये कब का है? सो ये 20 अक्टूबर 2017 का ही है, बहुत पुराना है। तो ये ड्राइंग बुक यानी कि 2017 का है। एंड दिस इज सास्के, ये है जॉनी ब्रावो। ये कार्टून आप पहले बहुत देखता था, मजा लगता था देखने के लिए। एंड ये है गेंगार, ये भी एक पोकेमोन कैरेक्टर है जिसको बनाया था 23 सितंबर 2017 को। दिस इज चार्जर, ये भी पोकेमोन का एक कैरेक्टर है। ये है काकासी, ये है, ये भी एक नारुतो का कैरेक्टर है, कैरेक्टर का नाम है। ये है काकासी, ये है इरुदा इरुमो, इसे कुछ था नाम, हम भी भूल गया। यहाँ पर एक और ड्राइंग है, ये भी एक और ड्राइंग है, इसका बारे में हम बात नहीं करेगा। तो अभी और भी देखते हैं इतोला में भी कैसे कैसे है। ये है दूसरा वाला, ये और पुराना है, उससे ज़्यादा पुराना ये है। हाय देख सकते हैं, यू आर माई फ्रेंड आर्ट बाई टोनी, आय हाय। तो देख सकते हैं डिटेलिंग किस टाइप से किया गया है, टोनी तराम आर्ट .com। ये कोई वेबसाइट नहीं है, ठीक है, कोई सर्च मत करो, नहीं मिलेगा कभी। ये एक और गारा कैरेक्टर है, पता नहीं कोई कोरियन कैरेक्टर है लग रहा है देख के। तो गेस करो ये कौन है, अगर जो गेस कर लिया वो जरूर हमको कमेंट में बता देना कि कौन है। रेडी, 3 सेकंड के अंदर बताना है, 1 2 3। ये टोनी भैया खुद है जिसको पता नहीं कौन दारी मूछ डाल दिया, हमने डाले ये स्केच में। हाँ ये एक और है, हर्ट। पहले एक मिठाई आता था, तो वो मिठाई का पैकेट में ये कैरेक्टर था अगर हम गलत नहीं तो। हाँ ये भी एक और है, ये भी शायद वही एक मिठाई का ही कैरेक्टर का था। ये भी यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, आय हाय हाय हाय। ये भी एक उसका ही है, मिठाई का कैरेक्टर का है। तो सल्लू भाई टाइगर मस्त है। गारा ये कॉमिक का था क्या, या फिर एक होता है ना गाना होता था जिसमें कुछ कुछ कार्टून कैरेक्टर लोग होता था, शायद उसा वाला ही एक था ये कैरेक्टर, जो भूल गया भी ऐसा कुछ था। 1 2 3 दिस इज नारुतो उज़ुमाकी, यस। एंड यहाँ पर एक और ड्राइंग है, ये एक्चुअली मेरा भैया ने बनाया, मेरा भैया का एक दोस्त है वो बनाए बुंगवा सिंह टोन। तो उसका भी एक यूट्यूब चैनल है जिसमें वो भी आर्ट बनाता है, तो आप लोग भी जाके देख सकते हैं, टोनेक्स आर्ट बोल के मिल जाएगा आप लोग को भी। ये भी एक और है, अरे लगता है दीदी डिप्रेशन में चला गया, इसी दिमाग में आया होगा इसका डायरेक्ट बनाते लग रहा है। देख पहले एक ऐप आता था जहाँ से स्केच किसे बनाते उसका ट्यूटोरियल मिलता था, तो वो ऐप का है। यह है रेबिट, इसका नाम भूल गया। अरे ये पहले शायद कार्टून नेटवर्क में था क्या, बहुत आता था, हम बहुत देखते थे इसको, काफ़ी मज़ेदार होता था देखने के लिए। पेन से देख सकते हैं किस तरह से डिटेलिंग किया गया है बालों को, मस्त है। तो बस इतना ही था ये ड्राइंग बुक में भी, को ड्राइंग बुक था लेकिन वो ड्राइंग बुक जो एक्चुअली खो गया बोल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो तो इससे भी पुराना है, वो शायद 10 साल हो गया था होगा। इसका एज को बताया जाए तो ये ड्राइंग बुक 2016 का है, ये 2017 का है, तो दूसरा वाला कितना 2010 11 12 ऐसा कुछ साल का था, वो गुम हो चुका है। बहुत सारा लोग पूछ रहा था टोनी भैया को कि आपका स्केच को भी दिखाओ बोल के, तो देख सकते हैं अभी आप लोग देख सकते हैं, हम दिखा दें अपने चैनल पर। तो हाँ गाइस, यही था मेरा भैया का ड्राइंग लुक स्केच लुक, तो वीडियो पर आगे बने रहे। तो हाँ गाइस, जैसे कि आप लोग मेरा टोनी भैया स्केच को तो देख लिया, और मेरा सबसे बड़ा वाला भैया भी पास गिर गया था, वो भी आ गया आज को। सो कुछ कुछ अमान भी लेके आप लोगों को दिखा देते, क्या क्या अमान है। तो 3 प्लास्टिक दिख रहा है, ये 3 प्लास्टिक में है अमान, यस। ये अमान जो एक्चुअल में कजन भैया था वो लेके आते हैं, क्या ये है स्वीट कोकोनट, टेस्ट करके देखते हैं किस तरह से है। हम थोड़ा सा इसको निकाल चुका, तो टेस्ट करके देखते हैं। इसका टेस्ट ना कुछ कोकोनट जैसा है, और जो असम इसमें उनका क्या होता है ट्रेडिशनल एक अमान होता है पिटा बोलते हैं शायद, तो पिटा का जैसा भी है थोड़ा बहुत, लेकिन लास्ट में चबाते चबाते कोकोनट का टेस्ट आ जाता है। इसके अंदर में एक फोर है जो कि है, ठीक है, रसगुल्ला। तो हाँ गाइस, जैसे कि देख सकते हैं ये है कुछ गुलाब जामुन वाला लड्डू, खा के देखते हैं किस टाइप से। इसका जो टेस्ट है ना, जब आप खाते हैं तो गुलाब जामुन जैसा भी लगता है, लेकिन गुलाब जामुन आपको बस 10-20% सिर्फ लगेगा, लेकिन जो बाकी बात होता है आप लोग क्रीम बन खाया होगा, क्रीम बन के जैसा होता है इसका टेस्ट जो। एंड अभी बारे आता है दूसरा प्लास्टिक का, ये ग्रेप्स, यस दे है ब्लैक ग्रेप्स। तो ब्लैक ग्रेप्स का टेस्ट का तो क्या ही बताना है, सर लोगों को पता होता है ब्लैक ग्रेप्स का टेस्ट कैसा होता है।
या में तो ब्लैक ग्रेप्स या में ग्रीन ग्रेप्स, इसका अंदर में भी फल ही है। यह एप्पो इन यह है कुछ कुछ मैंगो, इतना छोटा मैंगो पहली बार देख रहे हैं इतना छोटा मैंगो को, तो इसको तो आज तो नहीं लेकिन कभी दिन जब बैलों का पास मिलकर खाएगा इसको तो। तो यही था कुछ कुछ अमान था जो कि पासीघाट से लेके आया, पासीघाट अमान है ठीक है, थोड़ा दूर से लेके आया, बट हम जब से गुवाहाटी गए ना पासीघाट भी दूर नहीं लगता है क्योंकि एक दिन में 600 किलोमीटर 700 800 किलोमीटर हम लोग ट्रेवल किया तो आदत ही हो चुका है अभी, कुछ नहीं समझता है। और जैसे पासीघाट अगर आप लोग कितना बोल के सोचते हैं शायद 300 to 500 अगर हम गलत नहीं तो ऐसा कुछ 1 किलोमीटर का अभी भूल गया एग्जैक्ट भूल गया। जैसे कि आज तो हम बहुत खुश है, ओह आज मैं रिजल्ट भी निकल गया, पास भी हो गया, मिठाई भी मिल गया सही में मजा आ गया। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।